हेलो एवरीवन, डीआईपी के लेक्चर सीरीज में लेक्चर नंबर 4 में आप सभी का स्वागत है। तो इस लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं इमेज सेंसिंग एंड इमेज एक्विजिशन। ठीक है, तो इमेज को हम लोग सेंस कैसे करते हैं, अगेन उसका एक्विजिशन कैसे करते हैं। ओके, तो हम लोग सिंपली वही देखने वाले हैं। तो एक्चुअली जो हमारे पास 3D ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होता है या फिर कोई भी एक इन्वायरमेंट में या फिर नेचर में हमारे पास कोई भी अगर ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है तो उस ऑब्जेक्ट को सेंस करने के लिए और उसका एक्विजिशन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेंसर्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग में हम लोग सेंसर्स का यूज़ करते हैं ताकि हम लोग ऑब्जेक्ट को सेंस कर सके और उसका एक इमेज बना सके, डिजिटल इमेज बना सके। तो ठीक है, तो जैसे कि हमारे पास जैसे ये यहाँ पे डेफिनेशन मैंने लिख के रखा है, डिफाइंड एज अ एक्शन रिट्राइविंग एंड इमेज फ्रॉम सम सोर्स, यूजुअली हार्डवेयर बेस्ड सोर्स फॉर प्रोसेसिंग। इट इज द फर्स्ट स्टेप इन द वर्क फ्लो सिक्वेंस बिकॉज विदाउट एन इमेज नो प्रोसेसिंग इज पॉसिबल। जब तक आपके पास कोई इमेज प्रेजेंट नहीं है तो आप उस इमेज के ऊपर क्या नहीं कर सकते, कुछ प्रोसेस नहीं कर सकते, बराबर है। तो वो इमेज बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेंसर का यूज करते हैं। सेंसर क्या करेंगे, वो एनालॉग इमेज को कन्वर्ट करते हैं डिजिटल इमेज में, और उसी के तौर पर जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मतलब वो एनालॉग वोल्टेज ही देता है और एनालॉग वोल्टेज को हम लोग क्या करते हैं, क्वांटाइज कर देते हैं या फिर सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, तो सिर्फ वही हम लोग करते हैं। तो हमने वो पहले ही कर लिया सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन, तो काफ़ी अच्छा हो गया ताकि हमको वो कंसेप्ट देखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे इनकमिंग एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म इनटू वोल्टेज बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट इलेक्ट्रिकल पावर एंड सेंसर मटेरियल एनर्जी बीइंग डिटेक्टेड। तो जैसे कि हमारा जो सेंसर होता है, हमारे डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग में मेनली 3 सेंसर्स हम लोग ज़्यादा करके यूज़ करते हैं। एक होता है हमारा सिंगल सेंसर, दूसरा जो है हमारा सेंसर स्ट्रिप, और जो तीसरा होता है वो होता है हमारा एरे सेंसर। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं सिंगल सेंसर। तो ठीक है, तो सिंगल सेंसर एक्चुअली काम कैसा करता है वो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए, जो सिंगल सेंसर होता है तो सबसे ऊपर का पार्ट अगर आप लोग देखेंगे तो वहाँ पे एक फिल्टर होता है जो क्या करता है, जो भी आपका एक एनर्जी आ रहा है बाहर से, ठीक है, नेचर में से कोई भी एक एनर्जी आ रहा है, जैसे ये मेरा पेन है, अब ये पेन मेरा 3D ऑब्जेक्ट है, बराबर। तो अभी ये जो कैमरा है, कैमरा क्या रिकोगनाइज उसको कैसे कर रहा है, रिकोगनाइज इन केस उसको एक्विजिशन कैसे कर रहा है, उसको सेंस कैसे करता है, बराबर है कि ये पेन ही हमको क्यों दिखता है, क्योंकि अभी क्या है, फ्लैश लाइट अभी जल रही है, तो फ्लैश लाइट होने की वजह से एक एनर्जी है इस पे। तो ये एनर्जी क्या हो रहा है, कैमरा का सेंसर उसको ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, ऑब्जर्व करना इनकेस मतलब एनर्जी वो सेंसर क्या कर रहा है, डिटेक्ट कर रहा है, और वो डिटेक्ट करने के बाद क्या होता है, और ये जो फिल्टर लगा है वो फिल्टर क्या करता है, मतलब कोई भी अगर नॉइज प्रेजेंट है, अगर इमेज में कोई भी नॉइज प्रेजेंट होती है, एनर्जी में कोई नॉइज प्रेजेंट है, तो उसे रिमूव करने के काम आता है, बराबर। और उसके नीचे जैसे आप लोग देखें तो यहाँ पे सेंसिंग मटेरियल होता है, मतलब कुछ तो भी एक मटेरियल है जो उस एनर्जी को सेंस करेगा और एक वेव फॉर्म अपने को एक वोल्टेज वेव फॉर्म क्रिएट करके और यहाँ पे हमें आउटपुट देता है। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक पावर इन लगाते हैं ताकि हम लोग उस सेंसर को एक्टिवेट कर सके, उसको पावर अप कर सके। और यहाँ पे होता है हाउसिंग किस लिए होता है, ये जो सेंसिंग मटेरियल है उसको कवर करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग हाउसिंग यूज करते हैं। और लास्ट में देखेंगे तो यहाँ पे हमको एक एनालॉग वेव फॉर्म दिख रहा है, वोल्टेज वेव फॉर्म आउटपुट। तो यही जो वोल्टेज वेव फॉर्म हमको मिलता है, जो आउटपुट में मिलता है, हम लोग इसका ही सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन करते हैं ताकि हमको डिजिटल इमेज मिल सके। ओके, आई होप सो ये सिंगल सेंसर आप लोग क्लियर होंगे। अगेन, अब यहाँ पे इस पार्ट में अगर हम लोग आते हैं तो हमको एक्चुअली क्लियर पता चल सकेगा कि हम लोग एक्चुअली इमेज को सेंस कैसे करते हैं, बराबर है। तो अभी देख सकते हैं आप यहाँ पे, यहाँ पे हमने क्या किया, सेंसर लगा के रखा है। तो ये सेंसर क्या होता है आपका, ये जो सिंगल सेंसर होता है वो क्या होगा, एक्स डायरेक्शन में भी घूमता है, अगेन वाई डायरेक्शन में भी हमको मोशन देना पड़ता है। सो टू मोशंस आर रिक्वायर्ड, दो मोशन लगते हैं आपके सिंगल सेंसर को, एक तो आपको एक्स डायरेक्शन में उसको घुमाना पड़ेगा या फिर वाई डायरेक्शन में घुमाना पड़ेगा। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सेंसर है ये वाला सिंगल सेंसर है, तो ये एक्स डायरेक्शन में भी घूम रहा है अगेन, और हमने एक फिल्म यूज किया है जो कि एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन में घूमने वाला है। ठीक है, तो ये क्या है, इसको दो डायरेक्शन रिक्वायर्ड है फॉर सेंसिंग द इमेज। ठीक, एक लीनियर मोशन लगेगा और एक रोटेशन मोशन लगेगा, और ये फिल्म क्या रहेगा, हमारा कोई एक ऑब्जेक्ट रह सकता है जिसको ये जो सेंसर है हमारा उसको रिकॉग्नाइज करेगा। ओके, तो आई होप सो सिंगल सेंसर आपका क्लियर हो चुका होगा कंसेप्ट इसका। तो जो दूसरा होता है वो है हमारा इमेज एक्विजिशन यूजिंग सेंसर
स्ट्रिप। तो इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे सिंगल सेंसर होते हैं, हम लोग सिर्फ उसका क्या करते हैं, एक लीनियर फॉर्मेट में उसका अरेंजमेंट कर देते हैं, और वही जो अरेंजमेंट होता है वो आपका बन जाता है एक स्ट्रिप। तो आपके इस स्ट्रिप में आपको सिर्फ एक ही डायरेक्शन रिक्वायर्ड है, जैसे कि आपको सिंगल सेंसर में दो डायरेक्शन रिक्वायर्ड था, बराबर है। तो अगर हम लोग इस इमेज के थ्रू अगर हम लोग देखें, ये डिजिटाइज इमेज मैंने लिया है, जैसे कि अगर मैं सिंगल सेंसर कर लेता था तो मेरे को क्या करना पड़ता था, यहाँ पे लगाना पड़ता था, फिर यहाँ पे मैं एक्स में भी घूम सकता था, फिर मेरे को वाई में भी ऊपर जाना पड़ता था, फिर यहाँ पे भी जाना पड़ता था, यहाँ पे मतलब मेरे को क्या करना पड़ता था, एक्स और वाई डायरेक्शन में मेरे को काम करना पड़ता था, ठीक है। तो मेरे को एक्स में भी घूमना पड़ेगा, वाई में भी घूमना पड़ेगा, मतलब इसको हमको दो डायरेक्शन रिक्वायर्ड लगते हैं, किसको, हमारे सिंगल सेंसर को। बट जो हमारा स्ट्रिप होता है, तो स्ट्रिप को हमको सिर्फ एक ही डायरेक्शन लगता है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, इन लाइन अरेंजमेंट ऑफ द सेंसर इन द फॉर्म ऑफ सेंसर स्ट्रिप। ओके, स्ट्रिप प्रोवाइड इमेजिंग एलिमेंट इन वन डायरेक्शन, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होगा, एक्स डायरेक्शन में होगा या फिर वाई डायरेक्शन में होगा। मोशन परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिप प्रोवाइड्स इमेजिंग इन द अदर डायरेक्शन। सेंसर स्ट्रिप माउंटेड ऑन द रिंग कन्फिगर्ड आर यूज इन मेडिकल एंड इंडस्ट्रियल इमेजिंग टू ऑब्टेन क्रॉस सेक्शन इमेज ऑफ 3D ऑब्जेक्ट। जैसे कि अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे हम लोग मेडिकल में कहाँ पे यूज कर सकते हैं, MRI स्कैन हो गया, CT स्कैन हो गया, वहाँ पे हम लोग इस मेनली जो सेंसर स्ट्रिप होते हैं उसका यूज करते हैं। जो ये जो आपको इंटरनल पार्ट होगा, ठीक है, जो ये इंटीरियर होगा ये जो रिंग का, तो इंटीरियर पे क्या होता है, हम लोग सेंसर स्ट्रिप लगा के रखते हैं। यहाँ पे होता है आपका एक्सरे और ये होता है आपका लीनियर मोशन। तो ये जो मोशन जो हमने स्ट्रिप लगाया वो तो कांस्टेंट है, ठीक, उसको कोई हम लोग डायरेक्शन नहीं दे रहे, बट ये जो ऑब्जेक्ट हमने जो लगाया है, तो ऑब्जेक्ट को हम लोग लीनियर मोशन देते हैं। एक तो उसको अंदर के बगल डालेंगे या फिर बाहर के बगल डालेंगे, तो जिसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, क्रॉस सेक्शन इमेज बनाएगा। तो जो 3D ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, 3D ऑब्जेक्ट के सामने जगह पे क्या हो सकता है, ह्यूमन बॉडी भी हो सकती है, अगर मेडिकल के एप्लीकेशन में बात करूँ तो। सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, CT स्कैन जैसा होता है, हम लोग हमको एक बेड पे लेटा दिया जाता है, और वो बस वो जो रिंग होता है वो रिंग के अंदर हम लोग जाते हैं, फिर से बाहर निकलते हैं, और हमारा जो CT स्कैन में क्या होता है, जो हमारा ब्रेन होता है, तो ब्रेन का एक स्कैन बन के, क्रॉस सेक्शन एरिया बन के हमको एक उसकी एक इमेजिंग मिलती है। तो यहाँ पे इमेज रिकंस्ट्रक्ट होता है और यहाँ पे 3D इमेज मिल जाता है, मतलब 3D ऑब्जेक्ट था तो 3D इमेज भी हमको मिल जाता है, मतलब बहुत सारे लेयर्स मिल जाते हैं जिसमें हम लोग पता कर सकते हैं कि वो इमेज किस तरीके का है। ओके, तो ये भी स्ट्रिप भी क्लियर है। तो अभी देखिए स्ट्रिप को हम लोग इसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं। सपोज अभी मैंने स्ट्रिप यूज किया है, अगर सपोज मेरे लाइन में अगर टोटली अगर 8 स्ट्रिप है, और ये मेरे जो ब्लॉक भी हैं ये भी 8 है, तो मेरे को क्या करना है, मैं सिर्फ ये जो स्ट्रिप होता है मेरा, ये वाला जो स्ट्रिप है, तो मैं ये स्ट्रिप को बस यहाँ पे इस लाइन पे एक्स एक्स जो एक्स जो एक्सिस है यहाँ पे मैं रख दूंगा, और फिर मेरे को क्या करना है, सिर्फ उसको एक ही मोशन देना है, मतलब मेरे को सिर्फ वाई में ही घूमना है, बराबर है। मैं पहले इस एक्सिस पे था, फिर मैंने क्या किया, मैं और ऊपर गया, तो मेरे को ये यहाँ पे जो पिक्सल दिख रहे हैं, ये पिक्सल मैं सेंस कर पाता था हूँ, कर सकता हूँ। अगर इसके ऊपर जाऊंगा तो ये पिक्सल सेंस हो जाएगा, इसके ऊपर ऊपर ऐसे जैसे जाऊंगा, तो मेरे को सिर्फ एक लाइन में ही उस पिक्सल को लगाना, मतलब बस एक ही डायरेक्शन मेरे को रिक्वायर्ड है, ज्यादा डायरेक्शन नहीं लगते हैं, बस एक ही डायरेक्शन मेरे को सेंसर स्ट्रिप में लगता है, बराबर। और उसके बाद जो थर्ड है हमारा, वो है हमारा इमेज एक्विजिशन यूजिंग एरे सेंसर। ओके, तो एक मैट्रिक्स जैसा जो रहता है हमारा जो एरे होता है, तो एरे में हम लोग क्या करते हैं, जो लीनियर वाला था, लीनियर इनकेस जो हमारा सेंसर स्ट्रिप था, तो सेंसर स्ट्रिप मतलब हमने एक लाइन में ही कनेक्ट किया था बस। अब उसको क्या कर देंगे, ऐसे ही जो लाइंस है, मल्टीपल लाइंस जो है, हम लोग वर्टिकली भी कनेक्ट करते चले जाएंगे, ठीक है, वर्टिकली भी हम लोग क्या करते चले जाएंगे, कनेक्ट करते चले जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि ये जो एरे सेंसर होता है, इसके अंदर हमको कोई मोशन की गरज नहीं पड़ती है, ठीक है, कोई भी मोशन हमको देना नहीं पड़ता। जैसे कि अभी ये इतना ये एरे जो बना हुआ है, जैसे कि यहाँ पे मैंने डेफिनेशन के तौर पे लिखा है, मोशन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर एरे सेंसर, इट कवर्स ह्यूज एरिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड सेंस द एनर्जी विदाउट मोशन, मोशन के विदाउट। जैसे कि अभी ये मेरे पास ये इतना ये मैट्रिक्स के तौर पे ये जो एरे प्रेजेंट है, मैं अगर यही एरे क्या करूंगा, ये जो मैंने ये इमेज बनाया है, इस इमेज के ऊपर अगर मैं लगा दूं, तो मेरे को कोई भी मोशन की गरज नहीं पड़ती, मेरे को एक्स वाई डायरेक्शन में कहीं पर घूमने की गरज नहीं पड़ती है, वो एक बार मैंने इसके ऊपर इसके सामने लगा दिया, तो ये क्या करेगा, डायरेक्टली उस इमेज को क्या करेगा, रिकोगनाइज करेगा, एक वोल्टेज का वेव फॉर्म मेरे को उसके आउटपुट से मिलेगा,
और वही जो वोल्टेज का वेव फॉर्म मेरे को आउटपुट में मिलेगा, मैं उसको क्या कर दूंगा, सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन के अकॉर्डिंग मैं उसको डिजिटल में कन्वर्ट कर सकता हूँ. ओके, तो आई होप सो आप लोगों को ये इमेज जो सेंसर्स होते हैं और इमेज एक्विजिशन कैसे होता है, ये आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा. ये होता है हमारा सिंगल सेंसर. ओके, तो सिंगल सेंसर कुछ ऐसा दिखता है. बस सिंगल सेंसर का हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीपल अगर लीनियर में अगर कनेक्ट कर देते हैं तो हमारा बन जाता है सेंसर स्ट्रिप. और जो सेंसर स्ट्रिप होते हैं अगर हम लोग वर्टिकली सेम उसी तरीके का हम लोग उसके वर्टिकल में ओके वर्टिकली अगर उसको कनेक्ट करते जाए तो वो बन जाएगा हमारा सिंपल सा एक सेंसर एरे. ओके, तो आई होप सो. और अगेन हमको इसमें जो सिंगल सेंसर होता है उसको हम लोगों को दो डायरेक्शन में उसको घुमाना पड़ता है. ठीक है, उसको दो डायरेक्शन लगते हैं, एक्स डायरेक्शन भी लगता है और वाई डायरेक्शन भी लगता है. दूसरी बात, ये जो हमारा सेंसर स्ट्रिप होता है उसको सिर्फ एक ही डायरेक्शन रिक्वायर्ड है, और जो एरे सेंसर होता है हमको उधर कोई भी डायरेक्शन रिक्वायर्ड नहीं लगता है. आप बस वो कोई भी एक ऑब्जेक्ट ले लें और उसको बस वो उसके सामने रख दें, वो क्या करेगा, सिंपली उसको रिकग्नाइज करके हमको वोल्टेज जो वेव फॉर्म होता है वो हमको आउटपुट देगा, और वो इसी वोल्टेज वेव फॉर्म को हम लोग क्या करते हैं, सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन के अकॉर्डिंग हम लोग उसको डिजिटल में कन्वर्ट कर देते हैं. ओके, तो आई होप सो पूरा पूरा ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, कितने सेंसर्स होते हैं, सेंसर्स किस काम में आते हैं, कैसे इमेज का एक्विजिशन होता है. ओके, तो कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा. तो ओके, तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर.